हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वासी। चले देखते हैं कल मार्केट का काउंटडाउन कर सकता है, कौन सा स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर हम लोग आज बैंक निफ्टी देखेंगे, बहुत ही अच्छा एक अप ट्रेंड में रहा, लेकिन खुला कहाँ पे था? गैप डाउन। कल मैंने आपको इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन आपको करना क्या है? पहला पॉइंट है, आपको क्वांटिटी कम कर लेना है। उसके पीछे का रीजन ये था, ये सारे अभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। कल मैंने आपको बताया था, ये स्विंग हो गया, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था, ये सारे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग सेल करोगे तो पहले 5 मिनट का प्राइस एक्शन देखना, तभी सेल करना, उससे पहले सेल मत कर देना, और वो भी कम क्वांटिटी के अंदर। अगर हम लोग 5 मिनट देखेंगे तो ये स्लो एंड स्टडी अपसाइड मोमेंटम आया है, कहीं पे डाउनसाइड प्रेशर दिखाया ही नहीं मॉर्निंग आवर में। और एक पॉइंट यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे आपको एक इनसाइड कैंडल मिला होगा, यहां पे भी आपको एक इनसाइड कैंडल मिला होगा। जितने लोग ये इनसाइड कैंडल के ऊपर ट्रेड किए होंगे, डू लेट मी नो, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर हम लोग कल का भी मार्केट देखेंगे, समय अराउंड ये लेवल पे भी आपको एक इनसाइड कैंडल मिला था, लेकिन ऑपोजिट कलर का था। तो यहां पे आप क्वांटिटी में जनरली ट्रेड करता हूं, ये सारे आप लोग फुल साइज क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही, जब भी मैं आपको बताता हूं, एक बड़ा ट्रेंड मिलता है उसके अंदर आपको इनसाइड कैंडल मिल जाता है। जितने लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल के बारे में आप लोगों को अगर नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग अभी देखेंगे, 34,600 से लेकर 500 ये कभी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इसी लेवल से ब्रेकडाउन हुआ था, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे मार्केट खुला, फिर ये पॉइंट पे कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 45 मिनट तक इसने पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया। इसका मतलब ये पॉइंट हम लोग का अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। जितने लोग सेलिंग के लिए सोच रहे हैं, तो 34,500 के नीचे कैंडल क्लोज होने दीजिए। अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज कोई केसेस में अभी जो भी डीप आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये पॉइंट पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। तीन कंडीशन हो सकता है, अगर यहाँ पे नीचे खुल रहा है 34,600-500, इसका मतलब गैप डाउन खुला है। ये पॉइंट पे अगर बुलिश कैंडल बना है, कोई भी पॉजिटिव कैंडल अगर बना देता है, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, अगर आप लोग 5 मिनट रखोगे तो स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना, अगर उसके नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया उसको निकाल देंगे। अगर लेट्स से ये नीचे जाने के बाद फिर रिवर्ट जाता है, फिर आप री एंट्री कर सकते हो, सो दैट कि नहीं आपको अगर अपसाइड मोमेंटम आता है तो मिस ना हो। क्योंकि कल भी अगर हम लोग देखेंगे अपसाइड मोमेंटम पुल बैक हुआ है, आज भी मोमेंटम पुल बैक हुआ है, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड आ जाए। अभी अगर हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट पे अगर गैप डाउन खुलता है, बुलिश कैंडल बनता है, ये सपोर्ट एरिया पे आप लोग बाय कर सकते हो। अगर फ्लैट खुलने के बाद 34,890 अगर ये क्रॉस करता है तो इमीडिएटली आपको बाय करना पड़ेगा, 60-70 रुपीज का स्टॉप लॉस से ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप अप खुला तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, थोड़ा डीप प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये साइडवेज चला जाएगा, फिर ब्रेकआउट दे सकता है, वो कंडीशन में थोड़ा सा ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बड़ा गैप डाउन खुला तो थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, वेट करना, एक परफेक्ट प्लेस में आपको बाइंग के लिए सिनेरियो मिले, अभी हम लोग वेट करेंगे। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, हम लोग स्टिल मंथली चार्ट एनालिसिस करेंगे, डोंट वरी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वीकली चार्ट में स्टिल बुलिशनेस दिख रहा है अभी भी, लेकिन इसको क्लोज देना चाहिए। ये अगर 35,000 के ऊपर कहीं पे क्लोज दे देता है वीकली बेसिस के ऊपर, तो एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड भी आएगा आने वाले टाइम में, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो देखेंगे, डोंट वरी। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, 15,640 से लेकर 680 ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो अगर ये लेवल पे कहीं पे नीचे आने के बाद अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो आप लोग बाय कर सकते हो। फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है तो आप लोग ये पॉइंट पे बाय कर सकते हो, 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस से ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा गैप अप खुला तो ये वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फिर बायर्स चाहेंगे ऊपर लेने के लिए, लेकिन कंटिन्यूसली बाइंग को प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होल्ड करके गए होंगे, गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये दो केस में थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, वेट करना प्राइस एक्शन, अगर अच्छा बन रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तभी बाय करना, और ये दो केसेस में आपको थोड़ा स्टॉप लॉस अच्छे मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। पहला स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्री, अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक चैनल में फंसा हुआ है, कंटिन्यूसली स्मॉलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, नो डाउट स्मॉलर स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ट्रेंड था वो अपसाइड ब्रेकआउट दिया था, तो ये एक अभी चैनल में है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है 2240 के नीचे तो यहाँ पे ये 2200 के आसपास आ सकता है, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर ये मोमेंटम कर सकता है, तो एक अच्छे लेवल पे ये दिख रहा है। कल अगर ये फ्लैट खुलता है और 2240 क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, 8-10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 20 रुपए का आपका टारगेट प्लान होना चाहिए। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज सीपी, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन ये धीरे धीरे फेलुअर होते हुए दिख रहा है। अगर ये 882 के नीचे निकलता है तो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था समय अराउंड ये
लेवल तक ही आ सकता है, एक अच्छा टारगेट दिख रहा है, बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं है लेकिन 1:2 मिल सकता है, 5-6 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, लेकिन इसको फ्लैट खुलना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस, ये थोड़ा स्टॉक को ध्यान में रखना, आने वाले टाइम में ये ऑल टाइम हाई टच करने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि ये जो जोन था 1900 से लेकर 2000 यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में एक्युमुलेट हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद अपर साइड ये कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब 2240 ये क्रॉस करते ही साथ एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पे जो लास्ट स्विंग बनाया था इसके ऊपर ये क्लोजिंग देने के लिए कोशिश करेगा, आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आ सकता है, 10-15 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और उसके हिसाब से डबल आपका टारगेट रहेगा, 30 रुपए का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक, अगर हम लोग देखेंगे ये कंटिन्यूसली 1760 से लेकर 720 1680 ये लेवल में ऑलमोस्ट 3-4 महीने से इसी लेवल पे पड़ा हुआ है। अगर हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना, फिर ये थोड़ा रिट्रेस हुआ, इसका मतलब ये फिर से अभी ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रहा है, पहले जो ट्रेंड था वो सेलिंग के लिए था, तो अभी अगर ये 1775 क्रॉस करता है तो ये ट्राई करेगा जो लास्ट स्विंग सब है उसके ऊपर कहीं पे क्लोज देने के लिए, नियर लेवल 1800 के आसपास है, तो इंट्राडे में ये लेवल आ सकता है, 8-10 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है बाइंग के साइड, अगर ये 1775 अपर साइड क्रॉस करता है तो फ्लैट खुलने के बाद। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।